हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर से हैं। दोस्तों, मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट्स में कि एक मूवी जो रिलीज़ हुई है, मेरे ख्याल में आज ही रिलीज़ हुई है, कनाडा एक मूवी है जिसका नाम है बेल बॉटम। बेल बॉटम के हवाले से कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसका जो ट्रेलर रिव्यू करो। भाई मूवी तो ज़ाहिर है आज ही रिलीज़ हुई है, तो यहाँ और पाकिस्तान में तो रिलीज़ हुई नहीं है कि हम देख के उसका जो है अपना रिव्यू करते, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट आई थी तो उन्होंने कहा आप इस मूवी के हवाले से कुछ बात करो, क्योंकि इसमें जो ऋषभ शेट्टी हैं काफ़ी वो बड़े मतलब सुपरस्टार हैं कनाडा के। क्रिक पार्टी इनकी बड़ी अच्छी एक सुपरहिट मूवी रही है, उसके अलावा भी काफ़ी मूवीज़ हैं लेकिन क्रिक पार्टी का मैंने जो है ज़्यादा नाम सुना है। तो उसके अलावा जो हरी प्रिया इनके साथ हैं उनका भी काफ़ी मतलब वो भी काफ़ी अच्छी मतलब उनकी मूवीज़ रही हैं। उसके अलावा जो जया त्रिथा इसके डायरेक्टर हैं, तो ये फिल्म जो है एक मतलब के एक कॉप दिखाया गया, एक पुलिस वाला है जो वो एक गांव में जाता है एक छोटे से टाउन में, उस वो जो एक सॉल्व करता है केस, तो उसमें वो उसको थोड़ा सा शौक है स्पाई बनने का, मतलब एक जासूस जैसे कि जेम्स बॉन्ड, तो उस हवाले से वो थोड़ा सा अपनी जो फनकारियाँ दिखाता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है, कहीं सीरियस भी होता है कहीं ज़्यादा ही मतलब मजाक भी हो थोड़ा सा और जैसे होता है, तो फिर वहीं पे उनको प्यार हो जाता है हीरोइन से, वो मतलब टकराती हैं, तो इस तरह ये मूवी चलती रहती है। तो क्या कहेंगे सादिक भाई, आपने ट्रेलर देखा इसका? काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एडवेंचर पे बेस्ड है ये, मतलब एक तरह की वो है कॉमेडी थ्रिलर और एडवेंचर बेस्ड है। थोड़ी पता नहीं कि शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रहा है बंदा, जो जो मैंने देखा अक्षय कुमार भी कहीं नहीं, मतलब शेरलॉक होम्स भी समझ रहा है अपने आपको, जेम्स बॉन्ड भी समझ रहा है, मतलब काफ़ी यू नो समझ रहा है कि मैं कोई भी केस सॉल्व कर लूँगा, तो इट्स मोर ऑफ अ सिचुएशनल कॉमेडी लग रही है मुझे। तो इसमें जो इंस्पेक्टर भी बन रहा है और डिटेक्टिव भी बन रहा है, तो यू नो वो अलग अलग चीज़ों के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कॉमेडी देखिए उसको समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, अपने आपको बहुत होशियार समझ रहा है बट ऐसा वो है नहीं, तो इसी चीज़ का मज़ा है इसमें कि बंदा अपने आपको होशियार समझे और वो केस सॉल्व करने की कोशिश करे पर वो कर ना पाए, तो ये एक तरह की डिफरेंट टाइप की फिल्म हमें नज़र आ जाती है। तो इसमें एक्टर मुझे अच्छा लगा है इसमें जो इसने किया, बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा लग रहा है इसमें, और इसके अलावा इसमें कहीं ऐसा पॉइंट भी आ जाता है कि इसको लगता है मैं केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसको एक छोटा सा कोई हिंट मिल जाता है तो वो फिर मतलब उसको लगता है कि हाँ यार ये हो सकता है। बाकी ये मूवी तो हमने कंप्लीट देखी नहीं है तो हम ज़्यादा इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, वैसे देखी भी होती तो हम रिवील नहीं करते थे। ऑब्वियसली नॉट। तो ये कि एक अच्छी मूवी लगी और रिक्वेस्ट भी आई थी स्पेशली, तो मैंने वैसे नाम से सुना, मैंने कहा बेल बॉटम मतलब क्या, अच्छा इन्होंने बेल बॉटम पहने हुए मूवीज में ज्यादातर जो उन्होंने ना, बिल्कुल अच्छा। इसके अलावा स्टार्ट में एक म्यूजिक है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया, थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक आपने सुना, मैं मुझे म्यूजिक का जो उसका जो वो है ना थीम है वो मुझे काफ़ी फेमिलियर नजर आया था, बट लिरिक्स तो ज़ाहिर है मुझे भी समझ में नहीं है, लेकिन म्यूजिक मुझे कहीं सुना हुआ लग रहा था, लेकिन वो तो क्लासिकल अच्छा लगा। एक जो मतलब लग रहा था कि कोई अब हो सकता है कनाडा के कोई बड़े सिंगर वगैरह, एक्जैक्टली मुझे भी कुछ साउथ की मशहूर थीम का नजर आ रहा था। दोबारा ओवरऑल एक अच्छी मूवी लगी। अच्छा मैंने इसके जो ट्रेलर के जो व्यूज़ देखे वो थोड़े कम थे, 1 मिलियन से भी कम थे, लेकिन अभी जो इसकी मैं सुन रहा हूँ कि डिमांड बहुत ज़्यादा है में लोगों के। हमने जो सर्च किया था उस पर IMDb पे इसकी 9 समथिंग रेटिंग आ रही है, हाँ ऐसी कुछ रेटिंग नज़र आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हाईली अवेटेड फिल्म है, या तो अब रिलीज़ हो गई तो उसको काफ़ी अच्छा प्रेज मिला। आप लोग में से किसी ने देख लिया, देखने जा रहे हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि भाई वाकई ऐसी इस लेवल की मूवी है या हम लोग ने ऐसे वीडियो बनाया। बिल्कुल हम देखना चाहेंगे, और हमें इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, हमने बहुत ढूंढा बट इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी मिली नहीं हमें, खाली ट्रेलर नज़र आया इसका। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, देखते रहिए समीर के व्लॉग्स।